हेलो डियर फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता जो कि बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पास्ता को कैसे बनाया जाए और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम चार प्याज लेंगे जो कि चौकोर टुकड़े में कटी हुई है, और 5 से 6 हरी मिर्च लेंगे जो कि लंबे टुकड़े में कटी हुई है। इसके लिए हमें कटा हुआ गाजर लेना है, 2 छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ टमाटर लेना है, 3 बड़े छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए शिमला मिर्च लेना है छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए। और इसके लिए मसाले क्या क्या चाहिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और 250 ग्राम के करीब बॉयल किया हुआ पास्ता लेना है। और इसके लिए मैंने चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस लिया है, और बनाने के लिए मैंने तेल लिया है। गैस को ऑन कर दिया, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, पहले हरी मिर्च डालूंगी, उसके बाद इसमें प्याज डालूंगी। और इसको मैं अच्छे से, इसको ज्यादा लाल नहीं करना है, इसको हल्का लाल करना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर, कटा हुआ शिमला मिर्च कटा हुआ, और इसको अच्छे से मैं चला दूंगी। टमाटर को मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी, टमाटर को मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। दोस्तों मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, उसको मैं चला दूंगी। उसके बाद मैंने जो भी मसाले रखे हैं सारे को एक साथ डाल देती हूँ, इसको मैं 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी। सब्जी को मैं पूरा गलाना नहीं है, हल्का सा कच्चा रखना है। देखिए दोस्तों इसका कलर कितना सुंदर हो गया है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए सीधे के लिए रख दे रही हूँ ताकि ये गाजर जो है और शिमला मिर्च प्याज हल्के हल्के पक जाए। दोस्तों ये सारे सब्जी थोड़े थोड़े पक गए हैं, अब इसे मैं पास्ता डालूंगी। टोमेटो सॉस निकाल लिए हैं जिसमें कि 3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस है और 2 बड़े चम्मच चिली सॉस है। अब मैं इसको एक एक करके पास्ते में डालूंगी।
देखिए दोस्तों, मेरी पास्ता बनके तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी पास्ता बनके रेडी हो गई है और मैं इसे खाने के लिए सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी है खाने में। और आप भी बनाइए और खिलाइए। थैंक यू, धन्यवाद।